हेलो डिलेस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में करियर कैसे बनाए दोस्तों। तो इसमें मैं आपको एजुकेशन बताने वाला हूँ कि किस एजुकेशन के बेस पे आप उसमें करियर बना सकते हैं। दूसरा बताने वाला हूँ दोस्तों कि नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं। तीसरा बताने वाला हूँ कि डिजिटली आप अपना करियर कैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म में बना सकते हैं दोस्तों। और चौथा बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप ना किस तरीके से एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी ओपन कर सकते हैं, चाहे वो छोटी क्यों ना, खुद का बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ना दोस्तों कि ट्रैवल एंड टूरिज्म करने के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, जैसे बीए कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, तो भी ना दोस्तों आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में करियर बना सकते हैं। सिर्फ आपको 6 महीने किसी ना किसी के यहाँ इंटर्नशिप करना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं और वहाँ से भी करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर ट्रैवल एंड टूरिज्म में करियर बनाना है दोस्तों, या फिर ग्रेजुएशन करना है ना, तो IITM करके एक कोर्स होता है दोस्तों, मतलब इंस्टीट्यूट है जो इंडिया की नंबर वन इंस्टीट्यूट है, उसमें आप अप्लाई करके और वहां पे आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हैं BBA इन टूरिज्म दोस्तों, या फिर 2 साल का मास्टर्स कर सकते हैं टूरिज्म में। और उसमें 2 साल में आपको 6 स्पेशलाइजेशन कोर्स मिल जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट ना, तो हर जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उनका खुद का टूरिज्म इंस्टीट्यूट है दोस्तों, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें से भी आप टूरिज्म कर सकते हैं। तो यह दोस्तों 2 तरीके हो गए जिनसे आप ट्रैवल एंड टूरिज्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले जाना, तो बहुत अफार पड़ा है जहाँ पे आप ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम फीस में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में करियर बनाना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आप IITM से ही करें, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, जो स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो गया, वहां से करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों कि नॉलेज गेन कैसे करें ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए। तो सबसे पहले आता है दोस्तों कि आपको अपना नीश डिसाइड करना पड़ेगा। अब ट्रैवल इंडस्ट्री है ना दोस्तों, जो कि एकदम छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। तो उसमें सबसे पहले आपको नीश फाइंड आउट करना पड़ेगा। नीश फाइंड आउट करने का मतलब आप किस में स्पेसिफिक नॉलेज गेन करना चाहते हैं। एडवेंचरस टूरिज्म हो गया दोस्तों, उसमें एक ट्रैकिंग टूरिज्म हो गया उसमें, या फिर कोई हिस्टोरिकल हेरिटेजेस हो गए उसमें आप अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या फिर और भी अदर काइंड्स ऑफ टूरिज्म है उसमें आप अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो पहले ये डिसाइड करने के बाद ना दोस्तों, उसके बारे में आप स्टडी करना शुरू कर सकते हैं, चाहे वो आप लाइब्रेरी से पढ़िए दोस्तों, चाहे या फिर गूगल से पढ़िए, चाहे या यूट्यूब से, जहां से भी आपका दिल करे ना दोस्तों, वहां से आप पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो यह बहुत ही आसान और सबसे मतलब मजेदार तरीका है जिससे आप अपने नॉलेज को गेन कर। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि डिजिटली अपने नॉलेज को गेन कैसे करें और ग्रो कैसे करें। गेन करना अलग बात हो गया, अब ग्रो करना। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगा ना दोस्तों, जितने भी सोशल मीडिया आप हैंडल यूज करते हो, जैसे वो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो वहां पे आप अपने एक पेज बना लीजिए किसी भी हैंडल पे। जैसे YouTube हो गया तो YouTube पे एक चैनल क्रिएट कर लीजिए, Instagram हो गया तो वहाँ पे पेज क्रिएट कर लीजिए, और Facebook पे भी आप अपना एक पेज क्रिएट कर लीजिए। और उसके बाद ना 3 साल के कोर्स के अंदर जो जो भी चीज़ें आप सीखते हैं ना, उन चीज़ों को आप सिखाना स्टार्ट कीजिए। भले स्टार्टिंग में थोड़ा बोरियत लगेगा दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे आप उसको सिखाते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और उस एक स्पेसिफिक फील्ड में आपका बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा ना दोस्तों। तो आप वहां से डिजिटली ग्रो कर जाएंगे और कोई हायरिंग कंपनियां रहेंगी, जैसे टूर्स एंड टूरिज्म की एक कंपनियां रहती है दोस्तों, वो आपको हायर कर लेंगी डिजिटली, तो आपका एक बोनस पॉइंट ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा ना दोस्तों कि आपका एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगा, जिससे कभी भी अगर फ्यूचर में आप खुद का बिजनेस ओपन करते हैं ना दोस्तों, तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ट्रैवल और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आ जाता है ना दोस्तों कि आपको जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करना है, या फिर आप डिजिटली करो, कहां से भी नॉलेज गेन करो, वो सबसे पहले आता है। दूसरा आ जाता है दोस्तों, आपको 2-3 कंपनियों में जॉब करना है। 2-3 कंपनियों में जब ट्रैवल एंड टूरिज्म की जो भी कंपनियां है ना दोस्तों, उसमें जॉब करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी को चलाया जाता है दोस्तों। उसके बाद उसमें से कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को आप चूज कर सकते हो, जैसे कि क्लाइंट एक्वायर करना। अगर आपने एक छोटा सा भी बिजनेस ओपन कर
दिया जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो, जिनको ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम हो बहुत ज्यादा, तो वहां से शुरू कर सकते हो दोस्तों और खुद का एक ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसी बना सकते हो जिसमें बहुत सारे लोगों को आप जॉब दे सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो इन सबको करने के लिए सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों आपका नॉलेज, और दूसरे पे आ जाएगा जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हो वहां से रिक्वायर्ड नॉलेज जितना आप गेन कर सकते वो, और तीसरा आ जाता है दोस्तों नेटवर्किंग, उस कंपनी में जॉब कर करके कितना आप नेटवर्किंग करते हो और कितने लोगों से आप बात करते हो यह दोस्तों। तो यह सब तरीकों से आप एक खुद का ट्रैवल एंड टूरिज्म का इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो या फिर छोटा सा बिजनेस ऐड कर सकते हो जिसमें अगर आपके अंडर में 50 से 100 लोग भी आते हैं दोस्तों ट्रैवल एंड टूरिज्म करने के लिए या फिर जो भी आपके कस्टमर बेस बनते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा और बहुत अच्छा खासा आप इनकम जनरेट कर सकते हो पर्सनली दोस्तों। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रैवल एंड टूरिज्म कर सकते हैं, यह बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, फ्यूचर इसमें बहुत भर भर के हैं, बशर्ते आपका इंटरेस्ट किस में। अगर आपको घूमने में इंटरेस्ट हो तो टूर गाइड कर सकते हो दोस्तों, यह बहुत ही बेस्ट चीज है। दूसरा एंटरटेनिंग, किसी को कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो दो लोगों को एंटरटेन करके उनके साथ आप गाइडिंग पे जा सकते हो, हाइकिंग कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो उम्मीद करूंगा कि आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे ना टूर्स एंड टूरिज्म को लेके वो क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, और आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे होटल मैनेजमेंट या फिर टूरिज्म मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।